Hi, hello, welcome to Ninth Live Daily. You're watching Unacademy Foundation channel. So welcome back. हम बात कर रहे थे on the topic sound wave and propagation. तो इसका फिफ्थ लेक्चर तक हमने पहुंचा है. सो अगर आपने पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है सो ज़रूर देख लीजिएगा. एंड वहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स के एंड ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखा है. सो ये सारे चीज़ें हम कवर कर रहे हैं. सो आई होप आपको ये जो क्लासेस है यूज़फुल लग रहा है. एंड कोई भी नए लर्नर है इस प्लेटफॉर्म में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है Unacademy Foundation चैनल, बिकॉज we have great educators on this platform and Surbhi Gangwar ma'am hai, so she'll be taking up mathematics. So she has trained thousands of students for NTSC Olympiad jaise competitive exams, and we also have our dearest Vindhya ma'am who will be teaching you biology. So zarur hamare sare lectures ko dekh lijiyega, follow kijiye, and hum simple terms mein aapko padhane ki koshish karte hain. And ye hamare timetable hai ki kitne baje ko hamare classes chalta hai हमारे चैनल पे. सो मंडे टू सैटरडे एवरी डे हम ले रहे हैं आपके लिए क्लास 5 to 7 PM के बीच में. एंड सो सारे क्लासेस अटेंड कीजिए. एंड ऑल्सो हम लाइव क्विजेस भी स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है. एंड अगर आप हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या कुछ एडवाइस लेना है, सजेशंस लेना है, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू इट ऑन टेलीग्राम ऐप. टेलीग्राम ऐप के द्वारा हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं. सो इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन में. एंड देन यहाँ ब्राउज़र में जाके आपको URL के जगह टाइप करना है tinyurl.com/unacademyfoundation, ठीक है. तो इससे आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लाइक 700+ स्टूडेंट्स है. एंड आप भी अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ मतलब इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं. And you can also join us on Unacademy Plus. And यहाँ पे हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं आपका फेवरेट एजुकेटर्स. एंड यहाँ जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं YouTube पे, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. बट अगर आप हमारे प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए और भी पर्सनलाइज्ड होगा. सो दैट इज़ यू कैन हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द एजुकेटर. सो जो भी डाउट्स हैं तो आप वहाँ पूछ सकते हैं एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको रिप्लाई मिलेगा. एंड विथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. सो आपका विजुअल थिंकिंग भी अच्छा ही होगा. सो इट इज़ नॉट ओनली द बोर्ड वर्क, हम आपको पिक्चर्स के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं. एंड ऑल्सो साथ साथ आप अगर लाइव क्लास अटेंड भी नहीं कर पाते हैं, इवन देन आपका सारे लेसन्स, हमारे सारे लेसन्स कोर्सेज जो हमने किया है सो वो रिकॉर्डेड है. तो कभी भी अपना कन्वीनियंट टाइम में भी आप वो लेसन्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. सो अगर आपका जो मोटिव है टू क्रैक IIT और नीट इन द फ्यूचर टेंस, तो हम बात कर रहे हैं कि इन द लॉन्ग टर्म आपके लिए ये बहुत बहुत यूजफुल लगेगा अगर आप 9th-10th स्टैंडर्ड से ही प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है. एंड और भी एडिशनल फीचर्स ये है Unacademy Plus का, दैट इज एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है सो इट वर्क्स जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स. तो सारे जो अंदर का कोर्सेज, जो कैटेगरी के अंदर जितना भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो, आप अटेंड कर सकते हो एजुकेटर्स के क्लासेस को, ठीक है. सो जल्दी से Unacademy लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. सो वो अपना प्ले स्टोर में आपको दिखाई देता है क्योंकि दैट इज नंबर वन ट्रेंडिंग इवन इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है. सो Unacademy लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस सेक्शन क्लिक करना है. सो देन यू विल गेट एन ऑप्शन चूज योर गोल. सो वहाँ पे व्हाट विल बी योर गोल, आपका गोल होगा फाउंडेशन एंड NTSC. देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. तो ये इतना हमारा प्लान्स होते हैं. सो वी हैव 1 month, 3 month, 6 month, 1 year एज वेल एज 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान्स. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सो 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा होगा बिकॉज इट विल ओनली बी लाइक 1,167 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है. एंड अगर आप डेली बेसिस में देखते हैं सो इट विल इवन बी लेस दैन 50 रुपीज़. एंड साथ साथ
अगर आपने ये रेफरल कोड यूज़ किया है सीमा लाइव, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है. सो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड सीमा लाइव, आपके लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलता है अपना सारा प्लान्स में. ठीक है, सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लासेस जो है. ओके, सो हम बात कर रहे थे ऑन इको. सो थ्री काइंड्स ऑफ इकोज हमने स्टडी किया है लास्ट क्लास में. तो आई होप वो जो आपके पार्ट क्लियर हो गया है. सो देन हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग इको एंड द डिस्टेंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी. ठीक है, सो आपको ये पता है कि आफ्टर द साउंड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाई सम बॉडी से, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम आपको उसका इको सुनाई देता है, इज इट राइट? सो वॉट इज दैट टाइम ऑफ हियरिंग, कैसे आप इसको फाइंड आउट करते हैं, एंड वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी. सो ये जो रिलेशन है वो आज हम देखते हैं. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट हम एज्यूम करते हैं लेट टी बी द टाइम एट विच इको इज हर्ड. ओके, सो लेट टी बी द टाइम एट विच इको इज हर्ड एंड लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ओके सोर्स ऑफ साउंड. तो अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, एंड अगर ये सोर्स ऑफ साउंड है, देन अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, एंड अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, सो लेट अस टेक ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सो लेट अस टेक दैट डिस्टेंस टू बी डी. ठीक है, सो अब वी इज द स्पीड ऑफ द साउंड. सो लेट वी बी द स्मॉल लेटर वी, लेट इट बी द स्पीड ऑफ द साउंड. तो अब क्या होगा, देख लीजिए, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड इज 2D. सो जब वो साउंड ओके यहाँ से सोर्स से जा रहा है एंड देन इट विल फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फॉल होने के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा. सो वो जो सेम पाथ ट्रेवल करेगा वापस एंड देन आपके कान में आपको सुनाई देगा. सो नाउ वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तक जाता है डी, देन वापस आने के लिए एक और डी, सो डी प्लस डी, इज इट राइट? सो डी प्लस डी हो जाएगा कितना, 2D, इज इट राइट? सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है 2D. सो अब आपको टाइम अगर टी है, डिस्टेंस अगर 2D है, देन स्पीड ऑफ द साउंड आप बोल सकते हैं. सो स्पीड ऑफ द साउंड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इज इट राइट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो दैट विल बी 2D बाय टी. V का वैल्यू क्या होगा, V का वैल्यू हो जाएगा 2D बाई टी. और अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं, सो व्हेन यू रीअरेंज दिस, सो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, VT डिवाइडेड बाई 2, इज इट राइट? D का वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा VT डिवाइडेड बाई 2. सो अब आपको एक रिलेशन मिल गया बिटवीन स्पीड ऑफ द साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी. सो D इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई 2. सो जब भी आप इकोस की बात करते हैं, देन यू हैव टू रिमेंबर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द साउंड को आपको क्या करना है, 2D करना है. सो यू हैव टू एड द डिस्टेंसेस. ठीक है, सो चलो हम अब देखते हैं कि कैलकुलेटिंग द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको. सो कितना दूर आपको रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हियर द इको प्रॉपरली डिस्टिंक्टली. ठीक है, सो नाउ ह्यूमन हियर, ओके, सो हम अगर आपको दो अलग अलग साउंड्स को डिस्टिंक्टली आपको सुनना है, सो देर इज अ टाइम गैप. तो मैंने बताया आपको, इज इट राइट? ह्यूमन ईयर कैन हियर टू साउंड सेपरेटली ओनली इफ देर इज टाइम इंटरवल. दोनों साउंड के बीच में अगर टाइम इंटरवल है, सो अराउंड 0.1 सेकेंड बिटवीन देम, ओनली देन आप मतलब दो अलग साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, सो अब हमें ये पता है, इज इट राइट? हमें ये पता है स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, इज इट राइट? सो अब आपको मैं बता रही हूँ स्पीड ऑफ साउंड हम कितना लेते हैं. ओके, जनरली हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड, इज इट राइट? जनरली हम स्पीड ऑफ साउंड को लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड, ओके, सो एट अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं ऐसे. ठीक है, सो फिक्स्ड
मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हम लेते हैं ये. ओके, एज द टाइम इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, आपको पता है कि द साउंड ऑल्सो, स्पीड ऑफ द साउंड ऑल्सो वेरीज, इज इट राइट. सो नाउ मैं 344 मीटर पर सेकेंड ले रही हूँ, सो टेम्परेचर में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो एट 20 डिग्री सेल्सियस लेट अस से, ठीक है. सो स्पीड ऑफ द साउंड आपको पता है. सो अब आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, इज इट राइट. टाइम भी आपको पता है कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए, टाइम भी आपको पता है 0.1 सेकेंड होना चाहिए. सो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 344 इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला 1 में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो 344 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम. कितना ले रहे हैं हम, टाइम ले रहे हैं 0.1 सेकेंड, इज इट राइट. तो अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं, सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग दिस, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ओके, 344 इनटू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 34.4 मीटर्स आ जाएगा. Is it right? So distance traveled by the sound कितना हो रहा है? Distance traveled by the sound हो रहा है 34.4 meters. ठीक है? So इसका मतलब क्या है? Okay? So thus the distance traveled by sound in a second is 34.4 meters. ओके, सो इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर आपको देखना है, ठीक है. सो नाउ एंड 1 सेकेंड आप देख सकते हैं. ओके, सो दैट is equal to the 34.4 meters, is it right? Okay, so but this distance आप देख सकते हैं, ठीक है. So but this distance traveled in 1/10 second, is it right? So मैंने बताई है आपको, so 1/10 second में कितना distance travel कर रहा है the sound, so that is 34.4 meter, क्योंकि हम 0.1 seconds ले रहे हैं, so that is equal to 1/10, ऐसे मैं ले रही हूँ, ठीक है. So the distance traveled in 1/10 seconds वो कितना होता है, 34.4 meters होता है. But ये जो distance है, okay, so that is traveled by sound is going from us to the sound reflecting to hear an echo. Is it right? So that should be half of 34.4 meters. समझ में आ रहा है आपको? So ये जो 34.4 meters हमें मिला है, so that is the total distance from the source to the reflecting surface and back to the source. Is it right? But आपको अगर ये distance चाहिए, so that is traveled by the sound in going from us to only the sound reflecting surface. तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपको distance मिला है, so you have to divide it by 2. Is it right? क्योंकि आपको 2D का value मिल रहा है 34.4 meter. समझ में आ रहा है आपको? 2D का value आपको मिल रहा है 34.4 meter. So अगर आपको सिर्फ D चाहिए, सिर्फ अगर आपको source of sound और reflecting surface के बीच में अगर आपको distance चाहिए, then obviously you have to divide 34.4 को 2 से divide करना पड़ेगा. So आपका answer कितना हो जाएगा तब? आपका answer हो जाएगा 17.2. आंसर कितना हो जाएगा? वो आंसर जो है, सो दैट विल बी 17.2. सो अब हम ये कंक्लूजन, यहाँ इस डिराइवेशन से आपको कंक्लूजन, इन्फ्रेंस क्या मिल रहा है? सो इन्फ्रेंस ये है कि वी कैन कंक्लूड दैट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि वॉल हो सकता है, ठीक है, एनी वुड हो सकता है, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको, सो वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपको 17.2 मीटर्स, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ टाइम हम, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हम ऐसे ही लिया है, इज इट राइट. सो दैट इज वाई 20 डिग्री सेल्सियस में, सो वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ओके, टू हियर एन इको, सो दैट शुड बी 17.2 मीटर्स. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ओके, सो इसका मतलब देख सकते हैं आप. सो इन ऑर्डर टू हियर एन इको ऑफ आवर शाउट, ठीक है, सो वी शुड बी एटलीस्ट 17.2 मीटर्स अवे फ्रॉम द साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है. सो फिर से आप ये देख कीजिए एंड हम डिस्कस करते हैं इसको.
ठीक है. सो क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? सो ये है इसका इन्फ्रेंस, दैट इज अगर आपको ओके इन ऑर्डर टू हियर, अगर आपका ही आवाज आपको सुनना चाहिए, सो इको अगर आपको सुनना चाहिए, देन इसका मतलब वी शुड बी एटलीस्ट 17.2 मीटर्स अवे फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो वॉल से आपको एटलीस्ट 7.2 मीटर डिस्टेंस रखना पड़ता है, सेपरेशन रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू हियर द इको ऑफ योर ओन शाउट. ठीक है. सो ये है एक बेसिक सा क्राइटेरिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना रहना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, सो दैट वी कैन हियर द इको ऑफ द साउंड. ठीक है. सो 17.2 मीटर. सो ये जो वैल्यू है, रिमेंबर द वैल्यू. ठीक है. सो ये आपके लिए हेल्पफुल लगेगा. सो अगर आपको वैल्यू वो याद रहेगा तो ओके. ओके. सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इको. कंडीशंस क्या क्या होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको. सो देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन जो अभी हमने देखा है, सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी, तो वो कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स 11 मीटर्स होना ही चाहिए. ठीक है. सो ये है एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन. अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए. सो फर्स्ट कंडीशन तो अभी हमने प्रूव किया है, सो वो ठीक है. सो नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी. सो देखिए, अगर ये आपका रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, सो लेट इट बी अ वॉल. ठीक है. सो नाउ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, तो वो भी आप मीटर्स में ही मतलब रेफर करते हो, मेजर करते हो, इज इट राइट? सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ. तो वो जो वेवलेंथ है, साउंड का वेवलेंथ जो है, सो दैट शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी. ठीक है. सो ये है सेकेंड क्राइटेरिया. अब तीसरा क्राइटेरिया देख लीजिए. तीसरा क्राइटेरिया ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट शुड बी सफिशियंट सो दैट इट कैन बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत धीरे से बोलते हैं, बहुत मतलब फीबल साउंड करते हैं, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा. साउंड का रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी भी ज्यादा होना चाहिए. इट हैज टू बी सफिशियंट इन ऑर्डर टू मतलब इन ऑर्डर टू बी हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इट बैक फ्रॉम द वॉल. ठीक है. सो दिस इज अबाउट कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इको. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज रिवर्बरेशन. सो नेक्स्ट इको हो गया है, इको का कॉन्सेप्ट हो चुका है. सो अब हम एक और जो बहुत एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि दैट इज इंटरेस्टिंग, इनका अगर आप मतलब एप्लीकेशंस देखते हैं, सो यू विल रिलेट टू इट, कि आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे पता था बट इसका करेक्ट सा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता. सो दैट इज वाई आज की क्लास है. सो रिवर्बरेशन क्या होता है? सो दैट इज परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप. सो आफ्टर द साउंड हैज बीन प्रोड्यूस्ड, इवन आफ्टर दैट अगर वो साउंड परसिस्ट करता है, आपको सुनाई देता है इवन आफ्टर दैट, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन. ठीक है. जैसे कि आपको ये पता है, समटाइम्स जो लाइट स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा वो लाइट बल्ब ग्लो होता है, इज इट राइट? इवन आफ्टर यू स्विच ऑफ द सोर्स. सो सिमिलर वे साउंड भी, आफ्टर इवन द साउंड हैज बीन वैनिश्ड, जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फिर भी आफ्टर सम टाइम, इवन इफ यू हियर इट फॉर सम मोर टाइम, सो इसका मतलब परसिस्टेंस करना. सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन. ठीक है. सो ये है, अगर आप देखते हैं एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, ओके, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सो व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन दैट बिग हॉल, अब क्या होगा? द वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स, इज इट राइट? द वेव विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल एंड ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ. तो वो वॉल से ओके बहुत सारे साउंड वेव्स ऐसे ट्रेवल होके रिफ्लेक्ट करते रहता है, बैक एंड फोर्थ होते रहता है. सो ड्यू टू दिस क्या होगा? एनर्जी डज नॉट रिड्यूस. तो वो वेव फॉर्म का जो एनर्जी है, साउंड वेव का जो एनर्जी है, सो दैट विल नॉट रिड्यूस, इसीलिए द साउंड
स्टे होता है, इट विल रिमेन फॉर सम मोर टाइम. ठीक है, सो अब स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन फॉर लेसर टाइम हेल्प्स इन एडिंग वॉल्यूम टू द प्रोग्रामर्स. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर रिवर्बरेशन का टाइम जो है, सो अगर ये लेस टाइम के लिए होता है देन वॉल्यूम इंक्रीज होता है. सो टू मच रिवर्बरेशन भी अच्छा नहीं है, सो दैट विल कंफ्यूज द ऑडियंस एंड इट मस्ट बी रिड्यूस. ठीक है, अगर टू मच रिवर्बरेशन हो रहा है देन इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं होता है साउंड के, सो ओवरलैप हो सकता है साउंड एंड दैट इज नॉट गुड. ठीक है, सो रिवर्बरेशन फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए. So that will increase the volume of this sound. ठीक है, so सारे जो hall है, so सारे audiences कहीं भी आप बैठते हो then आपको बहुत clearly सुनाई देता है. सो अब आपको रिवर्बरेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने बताई, इज इट राइट. सो टू रिड्यूस रिवर्बरेशन आपको क्या करना है, द रूफ ऑन वॉल्स ऑफ द हॉल आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स. ठीक है, सो अगर रिवर्बरेशन इतना नहीं चाहिए, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन अगर आपको इतना भी नहीं चाहिए बैक एंड फोर्थ, देन आप वो जो रूफ होता है हॉल का रूफ जो है, सो दैट इज कवर्ड बाय सम ऑफ द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल. सो कौन से है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, लाइक प्लास्टर हो सकता है या थिक कर्टेन्स से भी आप कवर कर सकते हैं. ठीक है, वॉल्स को आप कवर कर सकते हैं विद थिक कर्टेन्स एंड रूफ को आप कवर कर सकते हैं विद प्लास्टर्स. ठीक है, सो इसके वजह से रिवर्बरेशन कम होगा एंड देन क्लैरिटी ऑफ द साउंड ज्यादा होगा. ओके, सो अब हम देखते हैं तीन तरह के साउंड्स जो ह्यूमन ईयर सेंसिटिव है. सो एक तो है ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, दूसरा है एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक है, तो इन तीनों में से सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है साउंड को. सो व्हाट इज दैट रेंज, सो ह्यूमन ईयर सेंसिटिव टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज. तो रेंज ऑफ हियरिंग में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज द रेंज ऑफ हियरिंग, ह्यूमन ईयर का जो रेंज है, सो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, सो दैट इज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है. सो ये रेंज जो है, सो इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑडिबल रेंज. ठीक है, सो दिस रेंज विल बी नोन एज ऑडिबल रेंज. सो एग्जांपल है जो आप बात करते हैं एक दूसरे से, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं. सो ये सारे के सारे जो ऑडिबल रेंज है, सो दे आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, दे लाई बिटवीन दिस टू वैल्यूज इट्सेल्फ. ठीक है, सो इनके बीच में ही होता है, दैट इज वाई हम ये सारे साउंड सुनाई देता है हमें. ओके, सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है, सो दैट वॉज अबाउट ऑडिबल रेंज. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज इंफ्रासोनिक वेव. सो इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज बिलो द ऑडिबल रेंज. अगर वेव का फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज है, सो बिलो 20 हर्ट्ज है, देन हम इस तरह की वेव को बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव. सो दिस इंफ्रासोनिक वेव जनरली प्रोड्यूस होता है बाय अ लार्ज सोर्स लाइक अर्थक्वेक. ठीक है, सो अर्थक्वेक से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज इंफ्रासोनिक. ठीक है, बिलो द ऑडिबल रेंज. अल्ट्रासोनिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये हमने डिस्कस किया भी है, इज इट राइट. सो अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब क्या है, द फ्रीक्वेंसी इज अबव द अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल रेंज लाइक अबव 20 किलो हर्ट्ज, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव. ओके, सो अल्ट्रासोनिक वेव जो है, सो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरी स्मॉल सोर्सेज लाइक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जो भी साउंड एमिट हो रहा है, सो दैट इज फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल सोर्स, इज इट राइट. सो दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वेव. ओके, सो अल्ट्रासाउंड आप देख सकते हैं साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, अल्ट्रासाउंड क्या है, साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड. सो इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, तो मैंने अभी बताया क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर एबल टू प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर. ठीक है, यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल.
सो आपको कैसे ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं आप. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ठीक है, सो नाउ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. सो साउंड वेव का प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको दिया है. सो इसीलिए एक और बार मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट्स की तरह दे रही हूँ. ठीक है, साउंड वेव ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी कैरीज एनर्जी विद हिम. ओके, एंड विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वाइब्रेशन बिकम्स फास्टर एंड ऑल्सो एनर्जी कंटेंट फास्टर, फोर्स ऑल्सो इंक्रीज होगा. सो अब देख लीजिए, व्हेन अल्ट्रासाउंड ओके ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, अब क्या होगा, इट सब्जेक्ट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू एक्सर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी. सो जब भी आप अल्ट्रासाउंड को पास कर रहे, थ्रू सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, देन व्हाट हैपेंस, इट विल एक्चुअली फोर्स, ठीक है, इट विल फोर्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू एक्सर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड. ठीक है, सो अब हम देखते हैं व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. ठीक है, सो ये एप्लीकेशंस देखने के लिए हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. ठीक है, सो अगर आपको आज के क्लास पसंद आया, आपको अभी के अभी लाइक करना है एंड ऑल्सो शेयर करना है ये जो वीडियो है. एंड हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. एंड अगर आप हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड सीमा लाइव. एंड ये हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर. एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स है, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हो टू गेट द अपडेट्स अबाउट आवर चैनल. एंड ये तीनों भी हमारे ही चैनल, वी आर फैमिली ऑफ अनअकैडमी, जेई, नीट एंड फाउंडेशन, तीनों चैनल्स को सपोर्ट करते रहिएगा. सो ऐसे ही मिलते हैं हम अगले लेक्चर में. सो टिल देन, सी यू ऑल.